हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एमएस पेंट पर एक डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एमएस पेंट को ओपन करते हैं। एमएस पेंट पे हम आपको जो आज डिज़ाइन बताने जा रहे हैं वो एक लैम्प है। हम लोग लैम्प को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग टूल सेलेक्ट करते हैं। कर्व टूल होता है, कर्व टूल ये है। कर्व टूल को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर या तो फिर हमें चाहिए तो ऑवल टूल भी ले सकते हैं। ऑवल टूल लेने के बाद हम लोग एक सर्कल या ऑवल बनाते हैं। उनके बाद चाहे तो उसके साइज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और लाइन टूल लेकर के हम लोग एक तिरछी लाइन बनाते हैं और फिर एक सेकंड लाइन बनाते हैं। उसके बाद एक लाइन सेंटर से हम लोग बनाते हैं, एक लाइन और हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये लास्ट लाइन हम लोग यहाँ से बनाने का काम करते हैं। ये लाइन बनाने के बाद हम लोग कर्व टूल लेते हैं। ये कर्व टूल है। कर्व टूल करता क्या है, ये कर्व करता है, चाहे तो हम लोग माउस पॉइंटर से कर्व करते हैं। इसको दो बार कर्व करना होता है। अगर एक बार कर्व किया तो ये फिर से प्रॉपर काम नहीं करेगा। फिर अगला कर्व टूल, मतलब फ्रेम सिलेक्शन तो है ही, हम लोग सेलेक्ट करके अगली लाइन में मिलाते हैं और फिर से कर्व टूल के द्वारा हम लोग नीचे की तरफ खींच देते हैं। फिर अगला हमने कर्व टूल अगले लाइन से मिलाया नीचे की तरफ, फिर से हमने इसको खींच, फिर से कर्व टूल हम लोग सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ खींचने का काम करते हैं। उसके बाद फिर हमने कर्व की एक लाइन में साइड में हमने एक कर्व बनाया, वो इसके नीचे जो हैंडल होता है, एंगल होता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन होता है। ये पीछे के एरिया को नहीं दिखाई देता, जैसे कि जो पीछे व्हाइट कलर है उसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो पीछे का भाग नहीं दिखाई देता है। उसके बाद हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर लिया, सेम उसके जैसा बनाया। और फिर से हम लोग रोटेट में आते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, जिससे ये होता, ये हो नहीं पाए। तो फिर हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर फैलाएं, रोटेट, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जैसे ही किया ये बिल्कुल एक समानांतर बना। दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट कर देते हैं। फिर से हम यहाँ पे सर्कल टूल लेते हैं और नीचे के लिए, फिर लाइन टूल लेकर के हम लोग इसमें एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको हमने सेलेक्ट किया है। फिर नीचे की तरफ हमने लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे हमने एक कर्व टूल फिर से लिया, फिर कर्व टूल लेने के बाद यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, फिर से एक हम बिल्कुल बराबर होना चाहिए, थोड़ा बहुत स्टेप होता है। तो फिर हम लोग कंट्रोल जेड का यूज करके हम लोग बैक जा सकते हैं। कर्व टूल, ओ ये मिस्टेक, क्योंकि हमने कर्व टूल ही सेलेक्ट किया था। एक मिनट, कंट्रोल जेड, लाइन टूल, फिर नीचे की तरफ इसको हमने एक लाइन बनाई, गुड। कर्व टूल लिया ये लाइन, फिर लाइन हमने इसको ड्रॉ किया, इसको नीचे की तरफ कर्व करते हैं, फिर साइड से भी कर्व कर दिया ताकि ऊपर नीचे का जो कर्व है, लाइनिंग जो ऊपर रेक्टेंगल बनाए, वो दोनों बिल्कुल बराबर रहे। फिर से सेलेक्ट टूल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको पकड़ के फिर नीचे की तरफ लगा दें। लाइन टूल आप इसको मिला सकते हो बीच में, और इरेजर टूल लेकर के पीछे का एरिया हम लोग इरेज करते ताकि जैसे वो लगा कि वो उसको ऊपर खड़ा है, पीछे का एरिया हमें ना दिखाई दे। यहाँ पे हमने इसको बनाया, फिर यहाँ पे ये फिल कलर बॉक्स होता है जो कलर को सेलेक्ट करके हम लोग फिल करने का काम कर
जो भी आपको कलर चाहिए आप उस कलर को सेलेक्ट कीजिए और एरिया में हम लोग कलर फिल कर देते हैं। जैसा भी आपको कलर लेना हो आप कलर यहाँ से ले सकते हैं। कलर फिल करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका टेबल लैम्प तैयार हो चुका है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।